बोलना है सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। अगर निकल गई तो आउट है वो अपने टीम लेके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये जाएगी। खतरनाक बंदा है यार। बचपन में जो बांटे खेले थे मार खाई, ये बचपन में जो बांटों से मार खाई है उसका मजा हो गया है। समझ ले मेरी तीन गई है, एक बस मिस हुई। अच्छा भाई आज हमें इनवाइट किया था माशाल्लाह जाहिद भाई ने, सुजादा भाई ने, बहुत जबरदस्त वीडियो में एंजॉयमेंट आपको नजर आ ही रही होगी। मगर मैंने एक जो है ना वो तारिक अजीज का शो में देखता था, तो मुझे वो सबसे ज्यादा फेवरेट यही लगता था कि फैमिली में एक दूसरे के बारे में कितनी किसको कितनी अवेयरनेस है या एक दूसरे को कितनी मालूम है। तो आज ये गिफ्ट तभी मिलेंगे अगर इन्होंने आंसर्स सही दिए या एक भी गलती नहीं की। अगर आंसर्स या गलती कर दी तो ये गिफ्ट दोबारा जाएंगे जहाँ से आए हैं और कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई मंजूर है आप दोस्तों को? हाँ जी मंजूर है। मेरे दोस्त को वहां पर ले जाएं जहां तक मेरी आवाज ना जाए, जाहिद भाई को ले जाएं इनको वो स्टेशन के बाहर। कॉल ना करूं आपने आना नहीं है। मोबाइल नो नंबर गेट पर ले। हाँ मोबाइल मेरा, मेरा मोबाइल ले जाए, मेरा मोबाइल ये दूसरा ले जाए। भैया मैं देखा हुआ आपने कपड़ों के अलावा वैसे भी मेकअप के अलावा भी पाकिस्तान का कल्चर कुछ और है यहाँ, तो कोरियन कल्चर में देखना चाहते हैं या पाकिस्तानी कल्चर में या बिल्कुल सादा सिंपल सी घरेलू लड़की हो वैसी अच्छी लगती है? जाहिद को मेरे ख्याल में इस चीज़ पर कभी एतराज़ नहीं हुआ। मैं मतलब पाकिस्तान में जाती हूँ तो पाकिस्तानी हिसाब से ढल जाना ना पड़ता है जिस जगह रहता है। अब यहाँ पे हम वो पाकिस्तानी कपड़े पहन के ऑफिस जाएँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जिस माहौल में होते हैं उसमें जाहिद मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं। ज़्यादा मेरी निस्बत भी वैसे सादगी ही है कि मैं बहुत ज़्यादा बस मोतदिल रह के करती हूँ, तो जाहिद को आई थिंक ये चीज़ सब एक्सेप्टेबल लगता है। आप एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं? ये बहुत हमारा वैसे सीक्रेट वर्ड है। जाहिद भी मुझे जून कहते हैं और मैं भी जाहिद को जून कहती हूँ। जून। जाहिद भाई के फेसबुक अकाउंट्स कितने हैं? एक ही है और वो भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मतलब लड़की के नाम से कोई फेक आईडी नहीं? जाहिद के पास एक का टाइम नहीं है तो साल में लड़कियों वाले अकाउंट से मुश्किल है। बात भाई को यूट्यूब का आइडिया कैसे मिला? आइडिया वैसे बहुत अरसे से उनका एक था कि मैं उनको कहती रहती थी मेरी वीडियोस बनाएं क्योंकि मैं फोटोग्राफर हूँ तो मुझे बिहाइंड द सीन्स और प्रमोशंस के लिए वीडियोस चाहिए थी ना, तो मैं उन्हें बहुत कहती रहती थी मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है वो सारा। जब कमर भाई आए ना और वो हाइक फॉर पाकिस्तान किया और कमर भाई ने बड़ा मोटिवेट किया, फिर वहाँ से जाहिर ने ज़्यादा उसे को अंडरस्टैंड किया, मोटिवेट हुए और स्टार्ट किया। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा जो है वो बहुत कुछ कहूँगा। सादगी में देखना चाहते हैं या फैशन में? फॉर एग्जांपल कोरियन स्टाइल या पाकिस्तानी स्टाइल? पाकिस्तानी स्टाइल में से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा उसमें देखना चाहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप हुआ हो, बहुत ज़्यादा वो बड़े बड़े कपड़े पहने हो वैसा स्टाइल या? नहीं 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 सिंपल ज़्यादा सिंपली सिंपली। घर में आप एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं? नहीं बताएंगे इजाजत नहीं नहीं बताएंगे तो गलत हो जाएगा। मैं सिदरा ही कहता हूँ।
प्यास एक सीक्रेट नेम होता है ना, प्यार से बंदा मतलब नाम लेता है, निक नेम कहते हैं, निक नेम। मैं सीधा ही कहता हूँ, मैं गलत हो गया, गलत हो गया। जून जून बोलते एक दूसरे, दो आंसर गलत हो गए। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये बात नहीं बताएंगे। ये कौन है, ये कौन है? फेसबुक के कितने अकाउंट है और लड़की का कभी अकाउंट बनाया? मैंने नहीं बनाया लड़की का अकाउंट, और मेरा एक ही अकाउंट है। सोशल मीडिया पर आने की वजह, और सोशल मीडिया पर किन की वजह से आए? सोशल मीडिया पे आने की जो वजह थी वो मैं शुरू से ये नहीं कि मतलब इस तरह की हरकतें करता रहता था कि भाई स्टेज वगैरह, मतलब छोटे मोटे स्टेज के ऊपर यानी कि परफॉर्म करना, यूनिवर्सिटी के स्टेज पे, कॉलेज के स्टेज पे वहाँ परफॉर्म करता था, तो मुझे शौक था कि यानी कि लोगों को मैं खुशियाँ बिखेरूँ, यानी कि अपने जो भी टैलेंट है उससे लोगों को खुशियाँ बिखेरने की कोशिश करूँ। तो वहाँ से यानी कि शौक वहाँ से आया, लेकिन जो और साथ में सिद्रा भी मुझे काफ़ी यानी कि सपोर्ट करते, लेकिन जो मेन किक मुझे मिली वो कमर भाई आपकी तरफ से मिली, जिस दिन आपने यानी कि मोटिवेट किया, तो अगले दिन उस सारी रात में नींद नहीं करवट और जो है वो सुबह उठ के फिर मैं वीडियो बनाने यानी कि स्टार्ट। मुझे उम्मीद है इस बात पे आप गिफ्ट वापस नहीं लेके जाएंगे। असल में ये सवाल मैंने पूछा भी नहीं था, ये सवाल बीच में मुदस्सिर भाई ने पूछ लिया था, मैंने लिख लिया उसी वक्त के, ये फिर मैं बोल नहीं। कपड़े और बर्तन ज्यादा कौन धोता है? कपड़े तो मैं ही धोता हूँ, और बर्तनों में एक 50-50 चल रहा है। सही हो, अच्छा एक सवाल थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ है, तो उसके लिए हम आपको इनाम बनाने वाली कंपनी की तरफ सब ताड़ियां बजाओ। ओ हाय रे, बहुत मजा आया। अब अगला कुछ भी भाई, बहुत जबरदस्त पार्टी चल रही थी, मैं जा रहे क्योंकि कॉल आ गई है बिजनेस की वजह से। बड़ा उसके बाद में चेक कर लिया है।